भिलवाड़ा में योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा 5 से 7:30 बजे तक त्रिदिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर के शनिवार सुबह शुभारंभ मुख्य डाकघर के सामने स्थित शांति भवन में किया गया, जिसमें हजारों लोगों को योग प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए संबोधित किया। भिलवाड़ा के इतिहास में पहली बार 2.5 घंटे तक योग प्राणायाम के साथ साथ सत्संग, सात्विक व आध्यात्मिक बातें उनके द्वारा बताई गयी। भीलवाड़ा पहुंचने का मुख्य उद्देश्य है योग जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, योग से लोग निरोगी हों, निर्व्यसनी हों। जिस तरह से रोगों ने घरों में डेरा डाल लिया है, बीमारियां महामारियों की तरह फैल रही हैं, घर घर में नशा फैल रहा है और इसमें 25 से 50% लोगों का धन बर्बाद हो रहा है। ये तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, जीवन की बर्बादी तभी रुकेगी जब लोग योग की तरफ मुड़ेंगे, क्योंकि योग को छोड़ करके लोग जितने प्रमादी होते जा रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि अब तो कैंसर जैसे रोगों से लोगों की जिंदगियाँ तबाह हो रही हैं। इसलिए हमने मंत्र दिया है, करो रोग, करो योग और रहो निरोग। इससे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सब प्रकार के सौभाग्य का, यहाँ तक कि भौतिक लाभ के अलावा योग से जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ मिलता है, योग ध्यान समाधि से जो जीवन में समाधान मिलता है, शांति मिलती है, इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। 17 साल के अंतराल के बाद भीलवाड़ा आए, भीलवाड़ा में क्या बदलाव देखा? भीलवाड़ा पहले से आर्थिक समृद्धि, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों का शील और आचरण, उसमें बड़ी दिव्यता है। एक सात्विक नगरी है, व्यावसायिक औद्योगिक नगरी है, वस्त्र नगरी के लोगों का चरित्र भी बहुत अच्छा है, ये देख करके हम बहुत गौरवान्वित। मैं का लेने 1835 में जो पाप किया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके, उस पाप को साफ करने के लिए हम भारत बोध, सनातन बोध के साथ भारत की शिक्षा, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया, उसका संचालन पतंजलि कर रहा है। अब इसमें बच्चों को हम आज तक किसी भी स्टेट बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद, पुराणों की शिक्षा दी जाती हो, चरित्र निर्माण की बात की जाती हो। तो हम चरित्र निर्माण के साथ, व्यक्तित्व निर्माण के साथ ऐसे पाठ्यक्रम की नींव हमने डाली है जिससे कि बच्चे वर्ल्ड के टॉप कॉम्पिटिशन्स में भी प्रथम होंगे, वो कैरियर बिल्डिंग में भी सबसे आगे होंगे, वो उद्यमशीलता में भी आगे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका चरित्र पवित्र होगा। वैसा कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति के बाद ये शिक्षा की, देश यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति पतंजलि के द्वारा हो रही है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। पतंजलि का क्या है आगे की रणनीति, क्या रहेगी पूरे देश के अंदर योग को प्रचार के लिए? क्या हर गांव, गली, मोहल्ला में, हर कॉलोनी में